पावली के लिए और सुरक्षात्मक ढंग से खेला, स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन। पिछले 2 ओवर से स्कोर रुका हुआ 8 रन और 8 रन पे 3 विकेट गिरी है हिमाचपुर की। अय्याज जो कि काफी अनुभवी बॉलर राइट है जो कि चौथे ओवर के रूप में और उनके सामने दूसरे नकल ले रहा बाबू जी आप तो नहीं है जितने सही बात है बॉलिंग के लिए भी अच्छी बॉलिंग का अच्छी की और एक तरह का प्रयास फिर से सफल बाबू और इसको अभी भी रुका हुआ 10 रन। ये बाबू और ये गए रखे नागपुर का बढ़ता हुआ लगभग 14 रन। अगली गेंद और यहाँ पे सुरक्षा ढंग से खेला पता ढंग से लेकिन एक रन और एक स्कोर की सत्ता हुआ 11 रन। हिमाचपुर का 3 विकेट गिर चुका है 3 ओवर हो चुके हैं। चौथा ओवर पर गति गेंदी पावर पर अंतिम ओवर इस चौथे ओवर में लगभग 50 रन होनी चाहिए थे स्कोर लेकिन 11 रन और 3 विकेट। अगली गेंद तो अब इसका बाहर यहाँ पे टूट गया और गेंद का सीमा में बाहर जा चुकी है। 4 रन से स्कोर हो सकता होगा 16 रन। चौथा ओवर पर गति पे रोहित को बल्ले से निकल गया वो पहला चौका इच्छा के से रोहित बन गया खाता खोला अय्याज अगली गेंद लेकर रोहित के लिए और रोहित का सुरक्षा का ढंग से कलम पहन के दिशा में फील्डर मौजूद कोई नहीं अभी दूसरे रुपया हुआ से दूसरा ओवर लेकर और पार के पार किया और ये सब के पार और पार का दूसरा ओवर वाइट वाइट के सामने स्कोर भी सकता होगा 17 रन। अब्दुल नाज जो पिछले ओवर में 145 भी किए थे अब्दुल्ला दोनों ओवर में कई विकेट ले चुके हैं काफी अच्छी गेंदबाजी अब्दुल्ला द्वारा जो कि 100 ओवर और 5 ओवर पर गति पे कितन वही है और यहां पे लखनऊ बराबर उसे खेलना पड़ेगा तभी कुछ मार के तरह मुता है ऊपर ऊपर ठीक बोला तो चार विकेट के नुकसान से
भागवनपुर का स्तर 18 पांचवा ओवर पर गेंद की अच्छी गेंद है और ओवर की समाप्ति स्ट्राइक के पर रन बनाने के लिए अच्छी गेंद है स्ट्राइक के जो खेल रहे हैं रन बनाता है अच्छी नहीं है तो जो भी खिलाड़ी आते हैं 8-18 या अगला 28-38 इनको बता देंगे। अगली गेंद पॉइंट के सामने खेला और दौड़ कर एक रन पूरा किया। इस एक रन के सहारे से भरता हुआ 19 रन 5 भारत के नुकसान के छठा ओवर पर गति थे। अच्छे गेंदबाज और यहाँ पे हम आगे पार के आते हैं कर लेंगे तैयार काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें पहले खेल में दो
सफलता मिल चुकी है। पहले सेल की पहले ओवर में दो सफलताएं अपनी टीम को दिला चुके हैं और अपने साथ दो सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। अगली गेम सामने बल्लेबाज मनीष और यहाँ पे रुक गया है अत्यधिक ढंग से और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मनीष को और मनीष के खाते में एक रन जुड़ता हुआ इस एक रन से मनीष के खाते में दो रन और उनके टीम के खाते में 41 रन। अय्यर जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज और दर्शकों को बता दें कि इस मैच में बस औपचारिकता ही बाकी रह चुकी है क्योंकि ये मैच एक तरफा हो चुका है। फिनिश हो चुकी है और यहाँ पे पूरी किया है और गेंद शायद राउंड लाइन के आसपास और यहाँ पे आसानी से दो रन पूरा किया। इस दो रन से इमादपुर का